हेलो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा राधे राधे जी देखिए फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी के लिए आज हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना बताएंगे फ्रेंड्स और देखिए फ्रेंड्स देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और सभी साइज में हमने बता दिया है इसी वीडियो में किस तरीके से आपको बनाना है सभी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए और फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई है और फ्रेंड्स बिना देर के हुए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स ड्रेस बनाने के लिए चोली मैंने बना ली है चोली का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स अब हम घेरा बनाएंगे घेरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थ्री चैन बना ली है अब हम घेरा बनाएंगे देखिए अब हम इसी चैन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ऐसे एक ही चैन में से हमारी थ्री की चैन हो गई और एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिया अब देखिए अब हम इसे नेक्स्ट में से बनाएंगे ऐसे देखिए वन डबल क्रोशिया और एक और हम इसी में से बना लेंगे ऐसे फिर नेक्स्ट में से भी हमें ऐसे ही बना लेना है वन और देखिए टू इस तरीके से तो हमारे यहाँ पे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गई थ्री चैन में से हमारे यहाँ पे सिक्स हो गए अब देखिए अब हमें करना क्या होगा इस तरीके से धागा लेंगे और जो हमारा ये डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के यहाँ पे ऐसे निकालेंगे देखिए इसमें नीचे से निकालेंगे और ऐसे इस तरीके से फिर हम धागा ऐसे लेंगे देखिए इस तरीके से और फिर से हम इसी के नीचे से निकालेंगे ऐसे ये दो बार हमने धागस में से निकाल लिया अब हम इसको इस तरीके से देखिए ऐसे बना लेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा अब देखिए जो हमारी ये चैन है इसी भी चैन में से बनाएंगे ऐसे वन टू फिर नेक्स्ट में से भी टू वन और देखिए टू फिर नेक्स्ट में से भी टू तो यहाँ पे भी हमें थ्री चैन में से सिक्स डबल क्रोशिया बना लेना है देखिए इस तरीके से अब देखिए जो हमारा इसी के पास में है यहाँ पे इस तरीके से वन और टू डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ पे तीसरे में से इसके नीचे से फिर से निकालेंगे ऐसे ही वन और देखिए टू टू टाइम्स धागा निकाल के इस तरीके से बना लेंगे देखिए ऐसे ही फिर हम जस्ट इसी के पास है जो चैन इसमें से बनाएंगे किसी भी चैन को स्किप नहीं करना है सभी में से बनाना है और यहाँ पे एक ही चैन में से दो बार बनाना है फिर नेक्स्ट में से भी टू तो इसी तरीके से थ्री चैन में से हम सिक्स डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए ऐसे टू और देखिए थ्री ऐसे फिर से हमें यहाँ पे वन और टू डबल क्रोशिया को स्किप करना है और तीसरे में से लेना है यहाँ पे, इसके नीचे से हम तीसरे में से लेंगे ऐसे वन और देखिए टू इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स ये रो मैंने इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है और देखिए अब हमारा ये यहाँ पे डबल क्रोशिया बचा है यहाँ पे इसमें से बना लेंगे अब हम इसके नीचे से वन और देखिए टू दो बार निकाल के ऐसे निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस चैन में से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे देखिए ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से देखिए अब देखिए वन टू थ्री थ्री चैन और फिर इसी चैन में से वन हम डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर नेक्स्ट में से यहाँ पे हमारे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव चैन हमारी यहाँ पे है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखिए डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और देखिए सिक्स एक एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बढ़ता जाएगा अब हमें सभी चैन में से वन वन टाइम्स बनाना है देखिए यहाँ पे हमारे सिक्स हो गए थे यहाँ पे हमने सेवन कर लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखिए जो हमने ये डबल ड़, क्रोशिया के नीचे से लिया था फिर से हमें इसको देखिए यहाँ से इस तरीके से उठाना है इसके नीचे से पप स्टिच के और देखिए ऐसे वन और देखिए टू ऐसे दो दो बार इस फिर से हमें ऐसे ही निकालना है ऐसे देखिए इस तरीके से इसके ऊपर फिर से और फिर यहां पे इसमें में से वन फिर नेक्स्ट में से टू थ्री ऐसे फोर फाइव सिक्स सभी चैन में से वन वन टाइम्स निकालना है डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे सिक्स थे देखिए चैन हमारे यहाँ पे सेवन हमने कोई भी फंदा बढ़ाया नहीं है अपने आप ही एक एक फंदा हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा अब देखिए फिर से हमें जो हमने पप स्टिच बनाई इसके नीचे से निकालना है जैसे हमने डबल क्रोशिया के नीचे से निकाला था ऐसे वन एक बार और ऐसे ही टू इस तरीके से देखिए फिर सभी चैन में से वन वन टाइम्स बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देखिए देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर से नेक्स्ट जो बनाएंगे फिर से हमें ऐसे ही करना है यहाँ पे सेवन डबल क्रोशिया हो गए फिर एट हो जाएंगे नाइन हो जाएंगे फिर टेन हो जाएंगे इसी तरीके से जितना बड़ा घेरा आपको करना है उतना बना लीजिए तो मैं कंप्लीट करके घेरे को दिखाती हूँ आपको देखिए फ्रेंड्स मैंने रो कंप्लीट कर लिए हैं और टोटल हमने यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रो बनाए हैं देखिए इस तरीके से अब देखिए अब यहाँ से हमें दूसरे कलर के धागे को ज्वाइंट कर लेना है देखिए यहाँ से मुझे इस कलर को ज्वाइंट कर लेना है ऐसे इस तरीके से और धागे को हम ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से अब देखिए वन टू थ्री थ्री चैन बना के अब हम इसे नेक्स्ट चैन में से बना लेंगे ऐसे देखिए इससे नेक्स्ट में से बनाएंगे फिर इसे नेक्स्ट में से जो हमारी तीसरी चैन है इसमें से हम एक और बना लेंगे देखिए हर तीसरी चैन पे हमें दो बार डबल क्रोशिया बना लेना है फंदों को बढ़ाएंगे और देखिए वन टू और देखिए थ्री यहाँ पे इस तीसरी चैन में से एक और बना लेंगे हर तीसरी चैन पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है तो एक एक फंदा हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा ऐसे देखिए वन टू और देखिए थ्री यहाँ थ्री में से हम एक और बना लेंगे वन और एक और टू हर तीसरी चैन पे दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है अब हम इस कलर से बनाएंगे और मैंने यहाँ पे इसको एक जॉइंट कर लिया है स्लिप स्टिच से और देखिए यहाँ से हम से बनाएंगे इस चैन में से ऐसे सिंगल क्रोशिया अब देखिए वन टू थ्री चैन देखिए थ्री चैन बनाने के बाद हमें इसी चैन में से वन डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में से वन डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डबल क्रोशिया बनाने के बाद वन टू थ्री फोर फोर चैन बनाएंगे और देखिए वन और टू चैन को स्किप करेंगे और थर्ड चैन में से बनाएंगे ऐसे देखिए वन टू थ्री फोर और देखिए फाइव फाइव डबल क्रोश है देखिये वन और टू चैन को स्किप करेंगे थर्ड चैन में से बनाएंगे ऐसे देखिए ऐसे वन टू थ्री फोर और देखिए फाइव फिर वन टू थ्री फोर फोर चैन वन और टू चैन को स्किप करेंगे थर्ड चैन में से बनाएंगे वन टू थ्री फोर और देखिए फाइव तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाते हुए टू टू चैन को स्किप करते जाएंगे फोर फोर चैन सेंटर में बनाते जाएंगे और फाइव डबल क्रोशिया यहाँ पे पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स ये रो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और देखिए अब हम लास्ट में आ गए अब देखिए वन टू थ्री और देखिए फोर फोर चैन बना ली अब देखिए यहाँ पे वन और टू चैन को स्किप कर लिया और यहाँ से इस चैन में से स्लिप स्टिच कर लेंगे और देखिए यहाँ पे इसके सेंटर में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए जो हमारा ये सेंटर का है डबल क्रोशिया इसके सेंटर में हम आ जाएंगे अब देखिए अब हमें यहाँ पे इसमें से देखिए इस तरीके से जो हमने यहाँ पे फोर चैन बनाई है इसमें से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर हम यहाँ पे सेंटर वाली चैन में से वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से अब देखिए फिर से हम नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ से बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सॉरी देखिए नाइन हमें यहाँ पे बना लेना है और फिर यहाँ पे इसके सेंटर में से वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए इस तरीके से है फ्रेंड्स जैसे मैंने दोनों बनाए हैं एक और मैं बना के दिखा देती हूं आपको ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे सेंट्री की चैन में से वन सिंगल क्रोशिया तो इसी तरीके से हम पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स ये रो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अब देखिए अब हम लास्ट में आ गए और देखिए जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहीं पे आके वन सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से अब देखिए अब यहाँ से हमें इस कलर के धागे से बनाना है ऐसे एक चैन बना लेंगे देखिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे वन टू थ्री थ्री टाइम्स धागा लेंगे और देखिए यहाँ से जो हमारा ये डबल क्रोशिया इसके नीचे जो हमारा ये डबल क्रोशिया है रेड कलर में इसमें से लेंगे हम ऐसे वन टू थ्री और देखिए फोर ऐसे देखिए इस तरीके से फिर हम धागा ऐसे लेंगे यहाँ पे जो चैन है इसमें से बनाएंगे ऐसे वन नेक्स्ट में से टू डबल क्रोशिया बना लेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और देखिए लास्ट वाली में से भी नाइन इस तरीके से देखिए अब देखिए वन टू थ्री थ्री टाइम्स धागा लेंगे और देखिए इस डबल क्रोशिया के जो इधर है इसमें से लेंगे ऐसे देखिए ऐसे वन टू थ्री और देखिए फोर ऐसे देखिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से धागा लेना है और देखिए वन टू थ्री थ्री टाइम्स धागा लेंगे अब देखिए इसके नीचे से हम यहाँ से जो डबल क्रोशे के नीचे रेड कलर में डबल क्रोशिया इसमें से बनाएंगे ऐसे वन टू थ्री और देखिए फोर ऐसे अब देखिए जो सेंटर में यहाँ पे चैन है सभी चैन में से जो हमने देखिए जो हमने नाइन डबल क्रोशिया बना इनके ऊपर जो चैन है इनमें से बनाना है हमें देखिए ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और देखिए नाइन इस तरीके से देखिए अब देखिए अब फिर से हमें यहाँ पे वन टू थ्री थ्री टाइम्स धागा लेना है थ्री टाइम्स धागा लेगी जो हमारा डबल क्रोशिया है, है देखिए ये इसके देखिए यहाँ पे इसमें से हमें लेना है ऐसे वन टू थ्री और देखिए फोर टाइम्स निकालेंगे फिर हमें देखिए यहाँ पे फिर से हमें वन टू थ्री टाइम्स धागा लेना है और देखिए यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के जस्ट जो नीचे है उसमें से लेना है ऐसे वन टू थ्री और देखिए फोर ऐसे अब ऐसे धागा लेंगे जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैन है इसमें से निकालना है देखिए ऐसे वन टू थ्री सभी चैन में से वन वन टाइम्स हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे देखिए सभी चैन में से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है ऐसे देखिए तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से फिर हमें यहाँ पे इस रेड में से लेना है ऐसे फिर इधर से लेंगे तो हमें ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स मैंने रो कंप्लीट कर लिया है ये अब हम लास्ट में आ गए अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे वन टू थ्री थ्री चैन बनानी है थ्री चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा ये डबल क्रोशिया इसके नीचे जो हमारा ये रेड कलर में है डबल क्रोशिया इसके नीचे से निकालना है ऐसे वन टू थ्री और देखिए फोर ऐसे जैसा कि मैंने सभी में बनाया है फिर हमें इसको यहाँ इस से इसमें से ज्वाइंट कर लेना है ऐसे इस तरीके से अब देखिए यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे देखिए फ्रेंड्स सभी एक्स्ट्रा धागों को हमने यहाँ पे कट कर दिया है अब देखिए अब मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है और हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद जो हमारा ये रेड कलर का है यहाँ से हमें फंदों को उठाना है देखिए यहाँ से इस चैन में से हम उठा लेंगे यहाँ पे आप यहाँ से भी उठा सकते हो देखिए इस तरीके से और देखिए वन टू थ्री ऐसे थ्री चैन बना लेंगे चैन बनाने के बाद हमें इसी चैन में से वन टू और थ्री थ्री टाइम्स धागा निकालेंगे और देखिए इस तरीके से पप स्टिच बना लेंगे फिर वन टू थ्री चैन और फिर देखिए वापस इसी में वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे फिर वन टू थ्री थ्री चैन और फिर देखिए वन टू और थ्री थ्री टाइम्स आगर निकालेंगे और ऐसे फिर देखिए वन टू थ्री चैन और फिर से वापिस इसी में वन सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे देखिए इस तरीके से अब देखिए अब हमें यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन चैन बनानी है टेन चैन बना के फिर से हम यहाँ पे इस चैन में से जो उसके सेंटर की चैन है इसमें से वन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर देखिए वन टू थ्री चैन थ्री चैन बना के इसी में से वन टू और देखिए थ्री थ्री टाइम्स धागा लेंगे और देखिए ऐसे निकालेंगे फिर वन टू थ्री चैन और फिर वापस इसी में वन सिंगल क्रोशिया फिर देखिए वन टू थ्री चैन और फिर इसी में से वन टू और थ्री टाइम्स धागा ऐसे फिर वन टू थ्री चैन और फिर वापस इसी में वन सिंगल क्रोशिया फिर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन इस तरीके से फिर यहाँ पे इसमें भी ऐसे ही बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स ये रो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और देखिए अब लास्ट में आ गए यहाँ पे मैंने पप स्टिच बना ली थ्री चैन बना ली अब इसी में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे अब देखिए टू चैन बना के मैं धागे को यहीं पर कट कर दूंगी इस तरीके से देखिए अब जितने भी हमारे ये बने हैं इनको हम इस तरफ निकाल लेंगे देखिए ऐसे अच्छे से इस तरीके से हम निकाल लेंगे इनको सभी को ऐसे सीधी तरफ हमें निकाल लेना है देखिए इस तरीके से सभी को हम निकाल लेंगे देखिए फ्रेंड्स सभी को हमने इस तरफ निकाल लिया है और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कितनी सुंदर लगती है देखिए लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के कितनी प्यारी लगती है और फ्रेंड्स ये हमने तीन और चार नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है और आप इसे आठ नंबर तक लड्डू गोपाल जी के लिए आसानी से बना सकते हो और देखिए चोली पर भी आप आउटलाइन बना सकते हो या फिर क्या करेंगे अगर आपको इधर से पहनानी है तो यहाँ पे कोई फ्लावर बना के लगा सकते हो पेंसिल फ्लावर या चो कोई छोटा सा फ्लावर देखिए इस तरफ से भी पहना सकते हो तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर से आउटलाइन बना सकते हो दोनों तरफ से ही अच्छी लगेगी जैसे भी आप चाहे अपने लड्डू का जी को ड्रेस को पहना सकते हो बहुत ही सुंदर लगने वाली है और फ्रेंड्स सभी साइज में बनाने के लिए करना क्या होगा आपको बस यही अगर आपको जीरो से लेके कर दो नंबर तक बनानी है तो आपको इस डिज़ाइन को नहीं बनाना है सिंपल ही घेरा बनाना है और फिर अगर चार नंबर तक हमने बता दिया है आपको पाँच और छः के लिए आपको इसी डिजाइन को आगे कंटिन्यू करना है घेरा यहीं से छोटा बड़ा करना है लास्ट में हम इस रो को बनाएंगे ऐसे ही हमें आठ नंबर तक कर लेना है बहुत ही प्यारी से सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार होगी सभी साइज़ में और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अनुसार ले सकते हो जिस भी कलर में फ्रेंड्स आपको बनाना है और फ्रेंड्स लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए थैंक यू